पुराने दिन याद कर रो पड़े राकेश राठौर गुरु, नगर विकास राज्य मंत्री का साक्षात्कार। इसी बीच बड़ी और अहम खबर से आपको रूबरू करा दें। प्रशासन ने ड्राइवरों के साथ बैठक की है। नए कानून को लेकर ड्राइवरों को किया गया जागरूक। सीतापुर पुलिस लाइन के सभागार में हुआ बैठक का आयोजन। AITO, CO ट्रैफिक, ARM, DSO हुए बैठक में शामिल। पेट्रोल पंप ट्रैक बस यूनियन के पदाधिकारी भी हुए शामिल। हिट एंड रन के नए कानून को लेकर देश भर में ड्राइवरों का चल रहा था विरोध प्रदर्शन। चक्का जाम, हड़ताल से बढ़ रही थी मुश्किलें। हड़ताल खत्म होने के बाद प्रशासन ने ली राहत की सांस। अब चर्चा के बाद बनेगा नया कानून। आज पुलिस लाइन के सभागार में ट्रांसपोर्ट यूनियन, जिसमें कि बस, ट्रक और पेट्रोल पंप एसोसिएशन, जिला पूर्ति अधिकारी, CO ट्रैफिक, RI, ARM रोडवेज आदि लोगों ने हिस्सा लिया बैठक में, जिसमें जो लाइसेंस संबंधी भ्रामक प्रचार किया गया है कि भारी मालवाहक चालक जो अगर दुर्घटना कर देते हैं तो उनको सजा का प्रावधान, तो ऐसा कुछ नहीं है अभी। और इन सब चीज़ों के लिए अभी जब तक लागू नहीं होता है या क्लियर नहीं हो जाता है, इसमें किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए हम लोगों ने बैठक रखी थी कि जो असहज स्थिति का सामना न करना पड़े जनसाधारण को और हम लोगों को दिक्कत ना हो किसी प्रकार की। तो जो कल स्थिति सामने आई थी कि ईंधन की सप्लाई बाधित होने की अफवाहें उड़ रही थी, लोग पेट्रोल पंप में अचानक से भीड़ लग गई थी और काफ़ी उसमें पुलिस का सहयोग लेना पड़ा जिससे स्थिति सामान्य हो पाई। तो वैसे तो हड़ताल फिलहाल ख़त्म है और इसमें इतना घबराने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी चालक को कभी कोई परेशानी की आवश्यकता नहीं है। इसमें केवल इसमें अगर दुर्घटना हो जाती है तो उसको केवल सूचना देनी है और अपना बचाव करते हुए सूचना दे और आदमी आराम से उसमें जा सकता है। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है और अभी तत्काल इसको लागू नहीं किया जाना है कोई कानून। अभी इसमें समय लगेगा और इसके जब आने पे ही इसमें पता चल पाएगा क्या है स्थिति। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।